Hi guys, what's up? I'm back with another video. Welcome back to Online Pathshala. Kaise hain aap log? I have been reading your comments. Thank you, Sapnesh, for coming into this class. Thank you so much. Thank you so much for coming into this class. Aur kaise hain aap sab log? Yes, aaj hum CFT padhne wale. I'll just show you around. Aap dekh sakte hain piche. Let me just put my face. हाँ, चमकता हुआ सितारा, राइट? जस्ट kidding, राइट? सो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू हैव बीन रीडिंग. संडे को आप पढ़ रहे थे और आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है. एंड आई होप यू हैव बीन वॉचिंग माई सेशंस ऑन सी एफ, ऑन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो विल बी कैरिंग फॉरवर्ड. वी विल लर्न टुडे लेक्चर नंबर 4 ऑन सी एफ टी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. आज हम इसे बहुत आसान बना देंगे और इसे बहुत सिंपल तरीके से समझ लेंगे, राइट? सो हाउ आर यू गाइस? जस्ट कॉमेंट बॉक्स में यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. कुछ नया सीखने वाले हैं? सब सीखेंगे क्या नया? यस, आई हैव गॉट अ न्यू कट. थैंक यू सपनेश, राइट? थैंक यू फॉर नोटिसिंग. गुड आफ्टरनून उल्लास. हाय अजय, व्हाट्स अप? हाय अजय वर्मा. आकाश इज ऑल्सो हेयर. अनंत, अमन इज ऑल्सो देयर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो लॉट ऑफ यू हैव ज्वाइंड इन. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन, ठीक है? तो अब मैं क्या नाम है, सेशन स्टार्ट करूँ क्या बच्चे? अच्छा, आप नए हैं. हु एवर आर ज्वाइनिंग न्यू और लाइक ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, I'll request them to watch the previous sessions as well of mine on this chapter. Coordination compound पे हम तीन lectures पढ़ चुके हैं पहले ही. So I am, you know, requesting you to आप वो भी देखिए, तो काफ़ी अच्छा connect कर पाएंगे, है ना? बहुत बढ़िया. और जो नहीं भी, कोई बात नहीं, आज सीखिए यहाँ पर. You can also connect. I'll make sure it will be understandable, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा पूरी. सर मेरा नाम बोलिए. साहिल, what's up? साहिल बोला मैं तेरा नाम. व्हाट्सअप विराज, व्हाट्सअप लखन, हट. हाय अजय, आई नो अजय, ही इज माय फेवरेट स्टूडेंट. बहुत सही, बहुत सही. गुड इवनिंग. हेलो बच्चा. हेलो फनकी. हेलो ऋषि, व्हाट्सअप. यशदीप, व्हाट्सअप. थैंक यू सो मच सूरज. लेट्स फ्लाई सर, लेट्स फ्लाई. या लेट्स फ्लाई बच्चा लोग. पढ़ेंगे, एक के बाद एक आएगा. प्री ब्लॉग भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो. व्हाट्सएप नंबर नहीं देते हर्ष. गुड इवनिंग. सो काफ़ी बच्चे नए आ रहे हैं, तो मैं बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू त्रिपाठी जी. लेट्स स्टार्ट सर. वेरी गुड. आई सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड गिव मी अ स्माइल इफ यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. कुछ सीखने वाले हैं तो जस्ट गिव मी अ स्माइल इन द कॉमेंट बॉक्स. आई लव यू टू. सो प्लीज, थैंक यू सो मच अजय. Thank you so much, means a lot. So just give me a thumbs up in the comment box. I'll start the session. Okay, there you go. Very nice. So let me start the session. So crystal field theory we are learning, है ना? तो अब start करते हैं crystal field theory. अब मेरी बात सुनिए. देखिए, लड़ेंगे नहीं comment box में, आराम से सुनेंगे. I'll ask you some questions. You will also give me replies there. पर बीच में किसी से कोई लड़ेगा नहीं, हम अच्छे से सुनते हैं. That's what my class is all about. बच्चे सारे बात सुनते हैं मेरी, and they do not fight in the comment box. तो कोई ऐसा नहीं करेगा. आराम से सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे आज, है ना? कोशिश करेंगे जो चीज़ जो पढ़ाई गई है उसमें से कुछ नया निकालें, कुछ एक्सट्रैक्ट कर लें जो शायद विच यू हैव मिस्ड वेन यू वर लर्निंग, ठीक है? जब अगर किसी ने पहली बार इसे पढ़ा हो, ठीक है? जो पहली बार ना पढ़ रहा हो मे बी, है ना? लेट्स स्टार्ट द सेशन बच्चा लोग. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम स्टार्ट करें. There are three postulates on it. देखिए, सबसे पहले इसने बोला कि here he considered, in this theory we consider that ligands are point charges or dipole. मतलब ligand पे चार्ज रहता है. ligand नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर ligand पे डाइपोल भी होगा या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा. हमने ये मान लिया. न्यूट्रल ligands के पास भी डाइपोल होता है. तो पहली assumption, ठीक है? फिर इसने बोला, VBT में बोला जाता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला जाता था कि देर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लीगेंड. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोली नहीं नहीं, हमारा लीगेंड और मेटल एटम के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लीगेंड एंड द मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम. एंड व्हेन द लीगेंड विल अप्रोच यू नो द सेंट्रल मेटल एटम, देर विल बी फर्स्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन रिपल्शन विल कम. ये क्रिस्टल फील्ड का ओवरऑल आइडिया रहता है. अब मैं आपको हर एक चीज आई एक्सप्लेन वन बाय वन. दीज टू एंड थ्री पॉइंट्स बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है सुन के कि सर फर्स्ट यू आर सेइंग सेंट्रल मेटल एटम इज अट्रैक्टिंग द लिगेंड्स, देन यू आर सेइंग दैट देयर विल बी रिपल्शन. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, आई नीड जस्ट योर पेशेंस, ठीक है? तो क्रिस्टल फील्ड का सिंपल सा फंडा, लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस और डाइपोल्स. This, since ligands are negative, they will be attracted by the central metal atom. Because you know, in complexes, central metal atom has some positive charge on it. They are charged metals, ठीक है? उन पे positive charge रहता है. So, positive charge will attract the ligand and form electrostatic force of attraction. ठीक है? Electrostatic force of attraction होगा. When ligand will come very close, there will be some repulsion.
दैट ओवरऑल थिंग इज नथिंग बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये होता है. अब इसको प्रोसीड करने से पहले, बिफोर आई स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आई हैव टू टीच यू सम थिंग्स. कुछ बेसिक देना पड़ेगा. आई हैव टू टीच यू अबाउट द 5D ऑर्बिटल्स, जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं ना, DXY, DYZ, DZX एंड सो ऑन, उनकी शेप्स के बारे में एक बार जान लेते हैं. ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग. आप देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप इधर ध्यान देना. सबसे पहले तो मैं इसको चलो मैं इसको रेड से इस्तेमाल करता हूं. जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा. हाँ जी, जरा ध्यान दीजिएगा. हाँ, इस पे ध्यान देना और इस पे ध्यान देना. यहां पर मैंने कौन सा ऑर्बिटल बनाया? DXY. इन DXY द लोब्स, यू नो, आपको पता है जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल? डबल डंबेल की जैसे होता है, जो डंबेल्स कुछ ऐसे लगे होते हैं. अगर आपको याद हो तो डबल डंबेल कुछ ऐसा बनेगा, है ना? तो डबल डंबेल जैसा शेप होता है इसका, जो डंबेल आपने देखे होंगे जिम्स में. ठीक है, जिम में होता है. ठीक है, तो ये डबल डंबेल होता है, कुछ ऐसी शेप होती है. तो आप नोटिस करिए, ये जो है DXY, यहाँ पर जो लोब लगते हैं एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पर थीटा रहता है 45 डिग्रीज. कितना थीटा रहता है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ. यहाँ पे एंगल जो होता है ना, यहाँ पे वो होता है 45 डिग्री. इधर भी DYZ में और DZX में अगर हम देखा जाए, यहाँ पर भी थीटा कितना होता है? 45 डिग्री. यहाँ पर भी थीटा कितना होता है? 45 डिग्री. यानी कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, आपका DXY, DYZ एंड ये आपका DYZ एरा, DXYZ, ये आपका DZX है. ठीक है, तो आपके जो d ऑर्बिटल्स है ना, दे आर एट एन एंगल, DXY, DYZ एंड DZX, दे आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. मतलब ये डायरेक्टली इसके लोब्स जो है ना, डंबल्स, जो दो डंबल हैं, वो बिल्कुल एक्सेस पे नहीं पड़े. इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन तीनों के अंदर, आप देख सकते हैं. यहां देखिए, अगर बात करें हम DXY की, DX2, Y2 की, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर लाइंग डायरेक्टली ऑन दी एक्सिस, पूरे एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो एंगल होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री. जो आपके लोब्स हैं, डबल डंबल हैं, दे आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. सो देयर इज नो एंगल. थीटा अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे थीटा इज 0 डिग्री. ठीक है, इसमें बात करो, ये थोड़ा ट्रिकी है, DZ2. बच्चा इसे कैसे समझेगा, जरा ध्यान देना. आई विल आस्क योर ओपिनियन हियर. दिस इज डबल डंबल, सबको दिख रहा है डबल डंबल, ये डी ऑर्बिटल है. अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, इफ आई एम, यू नो, इफ आई एम पुटिंग इट लाइक दिस, व्हाट डू यू सी? आपको कैसा दिख रहा है? एक बीच में डॉट दिख रहा होगा, आई अज्यूम सबको दिख रहा होगा, एक बीच में डॉट दिखेगा और दो लोब्स जा रहे हैं. ये वही तो है, देखो, ये बीच का डॉट और एक लोब जा रहा है ऊपर. ये मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया? DZ2. 2D में मैंने DZ2 दिखा दिया, ऐसा बनता है. कैसे दिखाता हूँ, फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ. आपका डबल डंबल, अगर आप सामने से देख रहे हैं, यू आर द व्यूअर, तो आपको क्या दिखेगा? एक डॉट दिख रही है बीच में, ये डॉट बन जाएगा और दो लोब्स दिख रहे हैं, है ना? कुछ इसी तरीके से मैंने समझाया था. तो यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका वो बन गया. तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखी? DXY, DYZ एंड DZX, ये तीनों आपके सामने हैं. द लोब्स आर लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स या लोब्स बोल लो उसे, दे आर लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. वेयर एज इन द केस ऑफ DX2, Y2 एंड इन द केस ऑफ DZ2, इफ आई टॉक अबाउट DX2, Y2, देर इज द ऑर्बिटल्स और लोब्स आर लाइंग डायरेक्टली ऑन द एक्सिस. यहाँ पे थीटा कितना है? 0 है. वॉट अबाउट दिस? यहाँ पर आपका कैसा दिखा? यहाँ पर भी आपका एंगल क्या रहेगा? 0 रहेगा. मैं अपनी बात सही से कह पाया? एम आई एबल टू कन्वे माई सेल्फ प्रॉपरली? सबको मेरी बात समझ आई है तो जरा जल्दी से बता दो, थम्स अप दे दो कि सर समझ आ गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जल्दी से बताओ, सर डू यू रिमेंबर मी? यस आई रिमेंबर यू अमेया. हाउ आर यू अमेया? बहुत बढ़िया अजय, समझ आ गया. जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. सबको समझ आ गया? तो आप ध्यान रखना, DXY, DYZ एंड DZX एंगल जो लोब्स हैं वो 45 डिग्री पे, दे आर रिसाइडिंग एट द 45 डिग्री. वेयर एज इन द केस ऑफ DX2, Y2, द लोब्स आर डायरेक्टली ऑन द एक्सिस, लाइंग डायरेक्टली ऑन द एक्सिस. एंड इन द केस ऑफ DZ2, वहां पर भी आपका एक्सिस पे ही है लोब. ठीक है, ये हमारा अभी डी ऑर्बिटल समझा. अभी मैंने क्रिस्टल फील्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, आई हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, डी ऑर्बिटल समझ आ गया. अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझा रहा हूँ किस कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ. मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए समझा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू टीच इट फॉर ऑक्टाहेड्रल. अब ध्यान दीजिएगा सब बच्चा लोग, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमारे पास क्या होता है ऑक्टाहेड्रल में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. इट मींस हाउ मेनी लिगेंड्स विल बी देयर? 6 लिगेंड्स विल बी देयर. ये जो 6 लिगेंड है बच्चों, दीज 6 लिगेंड्स विल कम फ्रॉम एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सेस से आने वाले हैं. जरा ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं.
तो आपका ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये आपका हो गया z एक्सिस, ठीक है. नाउ द लिगेंड्स विल कम, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं. हाँ, अब यहां से लिगेंड्स आने वाले हैं. क्या आने वाले हैं? लिगेंड्स. तो लिगेंड यहां से आएगा x एक्सिस, छह लिगेंड्स हैं, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा. y एक्सिस यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा. z एक्सिस यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा. तो छह लिगेंड्स आ रहे हैं, सिक्स लिगेंड्स आर कमिंग फ्रॉम x, y एंड z प्लेन, वहां से आ रहे हैं. अब मुझे एक बात बताइए बच्चा लोग, ये अट्रैक्शन होएगी किसके अंदर? अच्छा एक चीज, डिड आई टेल यू वन थिंग, जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं ना आपके जो मेटल के, अगर वहां पे कोई भी मेटल आयन, अगर मैं सिंपल रख दूं, इफ आई टॉक अबाउट ओनली अ मेटल आयन, ऑल द एनर्जी ऑफ ऑल द 5D ऑर्बिटल्स, 5 जो हमने पढ़े हैं, dxy, dyz, dzx2, वो सब की एनर्जी सेम होती है. ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, ये दिमाग में रखना, ठीक है. अब मैंने क्या करा, मेटल आयन के साथ लिगेंड लगा दिए, तो लिगेंड्स विल अप्रोच द मेटल आयन, बिकॉज मेटल आयन हैज सम पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलती है. और कितने लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, हाउ मेनी लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग. तो मेटल आयन इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा अपनी तरफ. अभी जब आएंगे देर विल बी अट्रैक्शन ऑफ 6 लिगेंड्स, 6 डायरेक्शन से आ रहे हैं. अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो अट्रैक्शन होगा, फिर लिगेंड भी नेगेटिव है बिकॉज इट इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन पे, और आप जानते हैं मेटल आयन ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज तो है पर मेटल ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स. जब नेगेटिव नेगेटिव पास आ जाएगा, व्हाट विल हैपन, एकदम से रिपल्शन होगा. पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचा, फिर अब पास जब ज्यादा ही आ गए लिगेंड्स, देर विल बी रिपल्शन बिकॉज लिगेंड्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड यू नो योर मेटल हैज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज इन इट, तो रिपल्शन होने वाला है, ठीक है. मेरी बात समझ आ रही है, रिपल्शन होने वाला है. अब सुनिए, अब रिपल्शन होगा तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले समझाया था, अगर आपको याद हो, मैं अगर बात करूं ये x एक्सिस मान लेता हूं, ये y एक्सिस मान लेता हूं, ये मैंने बोला ये आपका dxy है, मैं सिर्फ एक ही लोब दिखा रहा हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज द एंगल हियर, 45 डिग्री के एंगल पे होता है, इट इज सिचुएटेड एट एन एंगल ऑफ 45. यहीं पर मैं बात करूं आपके dx2y2 की, ये होता है आपका dx2y2, ठीक है, दिस इज dx2y2. और लिगेंड जो है याद रखना, लिगेंड आ रहा है यहां से, लिगेंड आ रहा है यहां से, ठीक है. ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये मान लीजिए y एक्सिस है, ठीक है. और लिगेंड आ रहा है आपका यहां से, दिस इज सिचुएटेड एट एन एंगल, dxy इज सिचुएटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वेयर एज dx2y2 इज सिचुएटेड एट एन एंगल ऑफ, इट इज लाइंग डायरेक्टली ऑन द एक्सिस, 0 डिग्री के एंगल पे होता है. रिपल्शन कहां ज्यादा होगी, dx2y2 में या dxy में, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, किधर रिपल्शन ज्यादा होगी, वेयर डू यू थिंक, इन विच ऑर्बिटल रिपल्शन विल बी मोर, dx2y2 या फिर dxy, किसी ने 0 डिग्री एंगल लिखा, यहां पर आएगा जब लिगेंड तो dx2y2 बिल्कुल उसके सामने है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, करेक्ट, रिपल्शन विल बी वेरी मैक्स, वेरी वेरी हाई. तो इस कारण से एनर्जी किसकी बढ़ जाएगी, dx2y2 की एनर्जी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू dxy, ठीक है. ऐसा ही सेम इसके साथ भी हो जाएगा, अगर मैं आपको अभी याद दिलाऊं, अगर आपसे अभी 5 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो, इधर ध्यान देना, तो यहां पे जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, यहां पे सारे एंगल कौन से हैं, 45 डिग्री, तो डायरेक्टली रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी. बट इफ आई कंपेयर इट विद dz स्क्वायर एंड dxy, बिकॉज सिंस द लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल आर लाइंग डायरेक्टली ऑन द एक्सिस वेयर द लिगेंड इज अप्रोचिंग, द रिपल्शन वुड बी मैक्सिमम. तो ये दोनों मैक्सिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस करने वाले हैं. तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे समझ लीजिए, दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, द लोब्स हेयर इन dxy, dyz एंड dzx, द लोब्स आर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस हेयर, द लोब्स आर लाइंग इन द ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर ही पड़े हुए हैं और ये एक्सिस के बिटवीन है. तो जो भी अब मैं आपको, किसी कोई बंदा सामने से आ रहा है आपके धक्का देने, आपको, आप सामने खड़े हैं और एक बंदा साइड में खड़ा है और द वन पर्सन इज कमिंग डायरेक्टली टू यू, तो आप जल्दी से आपसे बैश कर जाएगा, लड़ाई मतलब आपसे टकरा जाएगा, उससे नहीं टकरा पाएगा. यहाँ पे बस वही चीज़ हो रही है, ठीक है, यही चीज़ आपको समझनी है, क्लियर, ठीक है. तो अब इतना हमारे को समझ आया, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर हम बात करें, एक सेकेंड इसको जरा आइडिया को जनरलाइज कर देता हूं, यानी कि जो लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. पहली बात, व्हाई द लिगेंड विल अप्रोच, बिकॉज लिगेंड इज अ नेगेटिव चार्ज एंड मेटल आयन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, सो उसने अट्रैक्ट कर लिया. मैं क्रिस्टल फील्ड समझा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टीच क्रिस्टल फील्ड, तो उसने मेटल आयन को अट्रैक्ट कर लिया. अच्छा, पहले अट्रैक्ट कर लिया, लिगेंड्स आ गए. अब लिगेंड्स जब आएंगे, बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, देयर विल बी रिपल्शन बिकॉज लिगेंड ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन, मेटल ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन इन इट. अब जो रिपल्शन होगी, उस कारण से क्या होगा, प्रीवियसली इफ आई टॉक अबाउट अ फ्री मेटल आयन, ऑल द 5D ऑर्बिटल, जितने 5 ऑर्बिटल्स थे, 5 कौन कौन से, dxy, dyz, dzx एंड सो ऑन,
दे हैड द सेम एनर्जी. उसे बोला जाता है डी जनरेट. क्या बोला जाता है उसे केमिस्ट्री की टर्म में? व्हेन द ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी वी कॉल इट एज डी जनरेट. ठीक है, दे वर डी जनरेट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड देर विल बी रिपल्शन. अब रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए देर विल बी स्प्लिटिंग इन द डी ऑर्बिटल. इसी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इसी पूरी प्रोसेस को बोल दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. एंड द थ्योरी को क्या बोल दिया जाता है? इस फिनोमेनन को बोल दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्या मेरी बात सबको समझ आई? सबको क्लियर हुआ क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? पहले मेटल आयन था अकेला, ऑल द फाइव ऑर्बिटल्स, फाइव डी ऑर्बिटल्स वर डी जनरेट. पांच डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ठीक है, ऑल ऑफ देम वर हैविंग सेम एनर्जी. बट वेन लिगेंड विल अप्रोच देर एनर्जी विल बी स्लाइटली लिफ्टेड ऑफ. वाई इट विल बी लिफ्टेड ऑफ? बढ़ क्यों जाएगी? बिकॉज देर विल बी रिपल्शन. लिगेंड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, मेटल आयन इज ऑल्सो हैविंग नेगेटिव चार्ज. रिपल्शन विल कम इन टू द पिक्चर. उसके कारण से क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी. अब आपको पता है एवरी थिंग वॉन्ट्स टू बी स्टेबल. हर चीज स्टेबल बनना चाहती है. वाई यू गाइज आर स्टार्टिंग? बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, राइट? सेम चीज यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं. कंपाउंड्स वांट टू बिकम स्टेबल. कॉम्प्लेक्स भी क्या चाहता है? वांट टू बिकम स्टेबल. तो अब ये क्या करेगा? टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन इट विल अंडरगो स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स. जो पांच डी ऑर्बिटल्स हमारे पास थे विच वर हैविंग सेम एनर्जी, दे विल स्प्लिट. इस पूरे स्प्लिटिंग को बोल दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. और यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है उस स्प्लिटिंग के कारण से, एनर्जी रिलीज होती है. मैं समझाऊंगा कैसे. उस रिलीज एनर्जी को बोल देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. एंड ओवरऑल प्रिंसिपल को क्या बोल दिया जाता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्या मैं अपनी बात सही से कह पाया? सबको समझ आया? क्लियर होते हुए चल रहा है कि क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? बड़ा ही सिंपल तरीके से. क्या लिगेंड पॉजिटिव नहीं हो सकता? लिगेंड पॉजिटिव भी होगा, चलेगा, तब भी अट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, समझ आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूंगा बच्चों. ठीक है, तो इतना हमारे को क्लियर हो गया कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा होगी एंड डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी जेड एक्स की एनर्जी कम होगी. इसको बोल देते हैं हम ईजी लेवल. यहां पे दो ऑर्बिटल्स है तो इसको हम बोल देते हैं ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, और इसको बोल देते हैं टी टू जी. केमिस्ट्री में इसका नाम हो जाता है टी टू जी, इसका नाम हो जाता है ईजी. ईजी कंटेन्स टू ऑर्बिटल्स, टी टू जी कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? थ्री ऑर्बिटल्स. ठीक है, इस पूरी स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड. जो मैंने समझाया अभी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल नॉट से. एंड द डीजेनरेसी इज लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड. लिगेंड के आने से डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है एंड जो स्टेबिलिटी आती है उसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी. अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा. सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, सर जस्ट नाउ यू सेड एनर्जी वुड बी लिफ्टेड ऑफ. इफ एनर्जी इज मोर देन हाउ कम स्टेबिलिटी इज ऑल्सो मोर? I'll prove it to you. देखिए, यहाँ पर देखने से पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. JEE has never asked the problem. जो चीज मैं अभी समझाने वाला हूँ उसने कभी नहीं पूछा आज तक. ठीक है, JEE ने कभी सवाल नहीं पूछा, नीट में भी कभी नहीं आया. बट आई हैव टू गिव दैट लॉजिक सो दैट आई कैन यू नो जस्टिफाई माई सेल्फ एंड यू विल बी क्लियर अबाउट द पिक्चर. हो क्या रहा है? अट्रैक्शन हुआ पहले, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज था मेटल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज लिगेंड के ऊपर. अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से क्या हुआ? उनके जैसे जैसे पास आ गया फिर उसके बीच में रिपल्शन आएगा. रिपल्शन क्यों आएगा? क्योंकि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है. तो रिपल्शन जब होगी तो डीजेनरेसी लिफ्ट हो जाएगी, डीजेनरेसी विल बी लॉस्ट एंड द स्प्लिटिंग विल हैपन. स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है? टू मेक श्योर द सिस्टम द एंटायर कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल. ये स्प्लिटिंग का रीजन ही यही है. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल दिया जाता है या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी भी बोल देता है. द लॉजिक और द रीजन फॉर द स्प्लिटिंग इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल. मतलब आपका कॉम्प्लेक्स भी चाहता है कि आराम से वो स्टेबल बन जाए. That's the whole logic behind it. ठीक है, अब हम समझेंगे कैसे. थोड़ा 5-10 मिनट आपको सबर करना पड़ेगा. I'll teach you how. ठीक है, पूरा समझाऊंगा. तो यहां पर देख लीजिए, I have just explained कि पहले in the presence, in the absence of any ligand, all the five orbitals, कौन कौन से five orbitals हैं बच्चों? DXY, DYZ, DZX, DX square, Y square एंड आपका फेवरेट डी जेड स्क्वायर. इनकी एनर्जी सेम थी, देवर ऑफ सेम एनर्जी. बट वेन यू विल इंट्रोड्यूस लिगेंड्स इनटू दिस सिस्टम, सिक्स लिगेंड्स विल अप्रोच द मेटल आयन, द डीजेनरेसी विल बी लॉस्ट एंड दे विल बी स्प्लिटेड और दे विल बी स्प्लिटिंग इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल. वन इज ईजी, इसे क्या बोलते हैं हम प्यार से? ईजी. दिस वन इज कॉल्ड एज टी टू जी. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए, दिस इज कॉल्ड एज इनका एक बैरी सेंटर, बीच का हिस्सा होता है. इस डेल नॉट ओ को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जितना ज्यादा स्प्लिट हो जाएगा, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी. द सिस्टम विल बिकम मच मोर स्टेबल. वो स्टेबल बन जाता है ना. अब देखो, जरा ध्यान देना. अब इसको पढ़े कैसे, इसको समझे कैसे, वो जरा देखेंगे.
तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, जो चीज बढ़ रही है एनर्जी में, यहाँ पे प्लस 0.6 डेल नॉट रहता है। डेल नॉट एक एनर्जी की यूनिट है, मतलब एनर्जी ही है ये, पर इसकी यूनिट रहती है सेंटीमीटर इनवर्स में। हायर लेवल पे आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेल नॉट इज एन एनर्जी, ये आपका कुछ नहीं है, एनर्जी ही है, पर इसकी यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है। इस सेगमेंट को बोलते हैं प्लस 0.6 डेल नॉट, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं माइनस 0.4 डेल नॉट। ये आपको याद करना है, ये अब मैं दिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, वो एक मिनट में समझाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। हाँ देखो, एक फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी बोला कि आई विल जस्टिफाई हाउ स्प्लिटिंग विल मेक द कॉम्प्लेक्स स्टेबल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, हाउ इट विल मेक द सिस्टम और द कॉम्प्लेक्स वेरी स्टेबल, ये फॉर्मूला उसको मदद करता है। जेई हैज नेवर, इट नेवर केम इन जेई, नॉट आस्क, जेई ने आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा है, पर ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पूछ ले तो हमें आता ही है, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जेई हैज नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन इट अब तक। मैक्सिमम रिपल्शन विल हैव लेसर एनर्जी और ग्रेटर, मैं बता रहा हूँ अभी, जरा सुनते रहे, मैं अभी सुनते रहे, तेरा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे CFAC का फॉर्मूला क्या है, एन टी टू जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स टी टू जी लेवल में थे, इंटू -0.4 डेल नॉट, प्लस ये आपको CFAC निकाल के देगा कितनी स्टेबिलिटी आ रही है सिस्टम में, विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई जी लेवल इंटू 0.6 डेल नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस एन डैश पी, नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लीगेंड, नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लीगेंड कितनी पेयरिंग कराता है, ठीक है। देखो इसको समझाता हूँ ऐसे, मान लीजिए आपका दो ऑर्बिटल थे और आपका लीगेंड आया और लीगेंड जबरदस्ती पेयरिंग करा देता है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए, तो लीगेंड ने पेयरिंग कराई, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय द लीगेंड इज 1, क्योंकि आपको पेयरिंग में एनर्जी देनी पड़ती है, लीगेंड को एनर्जी देनी पड़ती है, तो पेयरिंग एनर्जी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, और कितनी पेयरिंग होगी वो आप क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालते हैं हम समझेंगे, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करना सीखेंगे। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ आ रहा है, ठीक है, सबको मजा आ रहा है, क्लियर होते हुए चल रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक बार मैं पिक्चर दोहरा देता हूँ फिर से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सजेस्ट वाई प्रॉपरली नॉट प्लेड माई फोन, बच्चा ये चीज़ मुझे नहीं पता, एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए क्या करना है यहाँ पर हमारे को, कि आपका मेटल होता है, फ्री मेटल आयन की अगर हम बात करेंगे, इट विल हैव 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम एनर्जी, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, दे विल हैव द सेम एनर्जी, ठीक है, डी जनरेट बोलते हैं उसे हम केमिस्ट्री की टर्म में। व्हेन अ लीगेंड विल अप्रोच, सिंस मेटल आयन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड लीगेंड इज अ डाइपोल और अ पॉइंट चार्ज, दे विल हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे विल हैव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कम, ठीक है। व्हेन लीगेंड विल कम वेरी क्लोज, सडनली देर विल बी रिपल्शन, व्हाई रिपल्शन विल कम, बिकॉज लीगेंड हैज नेगेटिव चार्ज, मेटल हैज नेगेटिव चार्ज, the system will have high energy right now, to make sure the system becomes very very stable, there will be splitting in the d orbital, do set ban jate hain t2g and eg, theek hai, jitni zyada splitting hoti hai, more the splitting more will be the stabilization, ab wo stabilization hota kya hai hum samajh rahe hain, yahi crystal field theory hai, jitna zyada splitting hoga, jitna zyada del not ki value badi hogi, utna hi badhiya aapki splitting hai, aapka complex utna hi stable hai, samajh aa gaya, clear hua, अब चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि हो क्या रहा होगा, कैसे निकालना है वो समझते हैं, लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी समझाते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले दो तीन चीजें और सुन लेते हैं, वो आपका एक गाइडलाइन बन जाएगा। देखो स्ट्रांग लीगेंड जब बोल देते हैं ना आप, यानी कि आपका लीगेंड इतना स्ट्रांग होता है वो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर देता है, वो डेल नॉट बढ़ा देता है, तो यहां पे आपको क्या लिखना होगा कि डेल नॉट इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, पी क्या है यहां पर बच्चों, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा हिंदी में तो बोल रहा हूँ, तो पेयरिंग एनर्जी क्या है यहाँ, पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, डेल नॉट इज, आपको सिंपल ऐसा याद रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्प्लिटिंग अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आप बोलोगे डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वीक लिगेंड उठाते हो, वीक लिगेंड अगर आप इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे स्प्लिटिंग कम हो जाती है, तो आप याद रखोगे डेल नॉट इज लेस, तो डेल नॉट विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेई ने इस पर सवाल पूछा हुआ है, सवाल कैसे देगा देखो जरा ध्यान देना, मैंने आपको दो चीजें दे दी, दो डेटा दे दिया आपको, डेल नॉट की वैल्यू दे दी और पेयरिंग एनर्जी दे दी, मैं पूछता हूं कैसा नेचर है लीगेंड का, स्ट्रांग लीगेंड है और वीक लीगेंड है, तो मुझे जल्दी से बताओ, रवि ऐसी बातें ना करो बच्चा, तो जल्दी से बताओ क्या हैगा, स्ट्रांग या वीक, जल्दी जल्दी बताओ, आई डोंट नो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी रवि, हाँ प्लीज, अब प्लीज टेल मी,
अब जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द नेचर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, जल्दी बताओ। देखो अब बातें कर रहे हैं आप, फालतू आंसर नहीं दे रहे, मतलब फालतू बातें कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। अजय बता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बहुत बढ़िया अजय, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि डेल नॉट किससे बड़ा है, पेयरिंग से बड़ा है, यानी कि नेचर कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। डिड आई गिव एनी काइंड ऑफ लिगेंड हियर, नहीं, मैंने आपको मैथमेटिकल डेटा दिया, आई गेव यू अ मैथमेटिकल डेटा, फ्रॉम देयर यू हैव टू गेट द आइडिया कि कैसा लिगेंड होगा, ठीक है। डेल नॉट अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, ठीक है। वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग विल बी लेस, पेयरिंग एनर्जी वुड बी मोर, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, जेई ने क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ता हूँ। अब एक और चीज मैं आपको दे रहा हूँ, एक अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलता जल्दी से, तो एक जरा बात सुन लो, आपको आइडिया लग जाएगा। देर इज अ थिंग कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपकी एनसीईआरटी में मेंशनड है, मैंने जान के यहाँ नहीं डाला है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न इट, वो आप याद कर लेंगे, वहाँ पे ऑर्डर दे रखा है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, दिस इज अ पार्ट विच यू हैव टू स्टडी, आपको लर्न करना ही है। यहाँ पे उसको आसान मैं जरूर बना सकता हूँ, कैसे याद करने में आपको रटना ना पड़े, लॉजिक मिल जाए, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये क्या पाया गया कि जनरली लिगेंड्स जो होते हैं, जिनके अंदर डोनर एटम जो होता है ऑक्सीजन सल्फर अगर जो होता है, तो वो वीक लिगेंड होते हैं, हेलोजन्स भी होते हैं, सॉरी हेलोजन्स हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, अगर आपको वो डोनर एटम दिख जाए, वो लिगेंड्स वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, ओ एच माइनस, ठीक है, सी टू ओ फोर टू माइनस, ऑक्सिलेट आयन, ये सब वीक होते हैं। जहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, फॉस्फरस होता है, वो बड़े अच्छे लिगेंड माने जाते हैं, जैसे आपका सी एन माइनस, एन सी माइनस, ठीक है, कार्बन भी होता है, ठीक है, कार्बन भी दे रखा है यहाँ पर, हाँ जी। तो कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर जहाँ पे डोनर एटम होता है, वो लिगेंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, सी एन माइनस, सी ओ, सी ओ तो बहुत ही स्ट्रांग लिगेंड है, ठीक है। आपका अमोनिया, डी एम जी, डाइमिथाइल ग्लाइसमेटो, देन आपका अमोनिया, ई एन, आपका फेवरेट इथिलीन डायमाइन, याद है, तो ये सारे लिगेंड्स स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, कैसे आपको सिंपल में बना सकता हूँ, कि अगर आपका लिगेंड हेलोजन है, डोनर एटम हेलोजन है, या फिर आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक लिगेंड। बट अगर आपका डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, तो वो दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दिस कैन मेक योर डेटा वेरी इजी, ट्रस्ट मी। जब आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे आपको याद करना होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, दिस विल हेल्प यू, एक जनरलाइज करने में मदद कर देता है ये पर्टिकुलर डेटा। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। Here, splitting means distance between orbitals. बिल्कुल सही रहता रीता है ना, बिल्कुल सही। जितना ज़्यादा distance होगा d orbitals के बीच में, उतना आप बोलोगे splitting ज़्यादा। अगर splitting के d orbitals में t टू g और e g में gap कम होगा, आप बोलोगे splitting कम। बहुत बढ़िया रीता, अच्छा सवाल पूछा, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये रट लो, चाहे रट लो या फिर इसे समझ लो, इतना बढ़िया तरीके से, मतलब आपका रामबाण है ये, इट विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको ये पूरा जनरलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई बच्चे, मतलब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, सी एफ टी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जरा समझना आप, ध्यान देना, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी में बांटा है दो, कौन सी कैटेगरी है, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी एट, डी नाइन, डी टेन। डजेंट मैटर विच काइंड ऑफ लिगेंड यू आर चूजिंग, यहाँ पर पेयरिंग होती ही नहीं है, नन ऑफ द पेयरिंग इज कॉज्ड बाय लिगेंड, मतलब जो पेयरिंग होगी कभी भी वो लिगेंड से नहीं होगी। अब इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है वो समझते हैं, मैं आपकी मदद लाऊंगा, आई वॉन्ट योर हेल्प, ठीक है। मैं सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं लेता हूँ डी वन, ये आपका होता है ई जी, ये आपका क्या होता है टी टू जी, ठीक है, डजेंट मैटर विच लिगेंड आई हैव डी वन कॉन्फिगरेशन, तो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। चलो निकालते हैं जल्दी से सी एफ एस सी, तो इसका सी एफ एस सी कैसे निकालोगे आप, सी एफ एस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी, कितने हैं, वन, इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई जी कितना है, जीरो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहां पे जीरो, क्या कोई पेयरिंग हुई है यहां पर, जीरो, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस 0.4 डेल नॉट। क्या किसी को याद था मैंने बोला था जब स्प्लिटिंग होती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, वट डज इट मीन, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, दैट मीन्स एनर्जी हैज बीन रिलीज, सिस्टम हैज बिकम स्टेबल। ये सी एफ एस सी से आ गया ना आपके आगे सामने, आपके आपके आंखों के सामने है, ये सी एफ एस सी हो ही क्यों रहा है, सो दैट द कॉम्प्लेक्स कैन बिकम स्टेबल, एंड आई हैव प्रूव्ड इट विद एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया, ठीक है। क्या आप लोग मुझे बताएंगे डी टू को क्या होगा, जल्दी से कैन यू टेल मी क्विकली इन द कॉमेंट बॉक्स, वट विल बी द फॉर डी टू, दिस इज फॉर डी वन राइट, डी टू के लिए बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर सो दैट आई कैन मूव ऑन।
बताओ, कोई आंसर नहीं दे रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है यार, नहीं मज़ा आ रहा है। हाँ थैंक यू, चलो बहुत बढ़िया, -0.8, बहुत बढ़िया, ठीक है समझ आया सईदा, बहुत बढ़िया आपको समझ आया, ठीक है ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। अब बताओ डी थ्री में क्या होएगा, कोई जल्दी से बताओ, डी थ्री में बताइए, कोई जल्दी से डी थ्री का बताइए क्या करना होगा। सामने फॉर्मूला है 3 × 0.4 डेल नॉट प्लस जीरो प्लस जीरो, तो कितना आ जाएगा 1.2 डेल नॉट, नॉट 0.9 बच्चा, -1.2 डेल नॉट, ठीक है सबको समझ आते हुए चल रहा है, सबको क्लियर हो गया, सब एग्री कर रहे हैं -1.2 होगा, बहुत बढ़िया ठीक है। अब आते हैं जरा बड़े वाले पे, अब लेते हैं हम आपका दूसरा वाला फेवरेट, अब हम लेते हैं डी एट, जरा ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, डी एट समझा रहा हूं, डी नाइन डी टेन आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा ठीक है, जरा ध्यान देना 1 2 3। अब बच्चे के दिमाग में आएगा वेयर शुड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन गो, आप कहीं पे भी भरो, लिगेंड डज नॉट मैटर हियर, लिगेंड की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, आप देखो यहां भर दो फिर पेयरिंग कर दो, या कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे इसमें मजा नहीं आया, आप ऐसे करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जरा ध्यान देना दोनों सेम ही तो है, आर दे सेम और नॉट, सेम ही है सही बात है। अब जरा इसका सी एफ एस सी जल्दी से निकालते हैं, इसका सी एफ एस सी कैसे निकालेंगे, इसका सी एफ एस सी कुछ इस तरीके से निकालेंगे, सी एफ एस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 × 0.4 माइनस के साथ डेल नॉट, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स ई जी में है 2, तो यहां पे लिखना होगा 2 × + 0.6 डेल नॉट। क्या कोई पेयरिंग लिगेंड की वजह से होती है, यहां पे कोई पेयरिंग लिगेंड की वजह से नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहां पर पेयरिंग एनर्जी की कोई बात ही नहीं होगी कि नन ऑफ द लिगेंड, नन ऑफ द पेयरिंग इज कॉज्ड बाय लिगेंड, ये मैंने पहली लाइन ही बोल दिया यहां पर, कौन सी कॉन्फिगरेशन में, D1 D2 D3 D8 D9 D10, ठीक है इनमें। अब जल्दी से मुझे आंसर बताओ, ये कितना आएगा -2.4 डेल नॉट +1.2 डेल नॉट, तो कितना आंसर आ गया -1.2 डेल नॉट। अगेन आपके सामने स्टेबिलिटी आ गई, नहीं आ गई, क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात सबको क्लियर होते हुए चल रही है, तो अब जल्दी से क्या मुझे D9 का बताएंगे, क्या बच्चे मुझे D9 का बताएंगे, जल्दी बताओ जल्दी, D9 में क्या आएगा, D9 में एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, अगर मैं D9 की बात करूं तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना ऐसा ही कुछ होगा, तो उसका सीएफएससी भी देख लेते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा -2.4 डेल नॉट प्लस यहां पे 3 आ जाएगा 1.8 डेल नॉट, और आपका आंसर क्या जाएगा -0.6 डेल नॉट। क्या मेरी बात सबको समझ आई, सबको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया रीता, रीता आपको समझ आ गया है, और आप देख रहे हो नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड, नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड, क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं, सबको मजा आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है, यही यही का गोल यही है कि आपको क्लियर होते हुए चलना है, क्या लॉजिक समझ आया कि स्प्लिटिंग के बाद क्यों स्टेबिलिटी आती है, क्या मैं अपनी बात सही से समझा पा रहा हूं, अगर समझा पा रहा हूं तो बच्चे यस बोलो यहां पर जल्दी से, मेरे को लगेगा कि क्लास सक्सेसफुल हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे बोले अच्छा मजा आने लग गया, अब मजा आ रहा है बहुत बढ़िया, हाय बच्चा हाय रमेश, बहुत सही बहुत सही, ठीक है लॉजिक ये होता है, लॉजिक क्लियर हो गया बच्चा, आप रिप्ले में देख लेना दिवांशु, वी हैव लेस टाइम, काफी सारी चीजें बातें करनी है उसके बारे में, तो आगे बढ़ूंगा, तो यानी कि गांठ बांध लो दिमाग में बैठा लो, दैट D1 D2 D3 D8 D9 D10 कुछ मतलब नहीं होता इनका, यहाँ पर लिगेंड स्ट्रेंथ मैटर ही नहीं करती, सीएफएससी ऐसे निकालते हैं, और आपको मैंने प्रूफ कर लिया कि हाउ सीएफएससी यू नो व्हेनेवर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी विल हैपन, हाउ इट विल हेल्प इन मेकिंग दिस कॉम्प्लेक्स स्टेबल, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उससे प्रूफ भी हो गया ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना, केस वन समझ आ गया, केस टू इज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, केस टू पे आ रहे हैं, एक सेकेंड जरा मुझे ना एसी हल्का करने दो यार, मुझे जुकाम हो जाएगा, मुंह पे आ रहा है भी एसी। हाँ बच्चों तो अब आगे बढ़ते हैं, ये केस टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे फुल अटेंशन, मतलब पूरी अटेंशन चाहिए मुझे ठीक है, हाथ से मिटा दिया, देखा एडवांस टेक्नोलॉजी वेदांतु के पास है ठीक है, तो आइए आप वेदांतु में ठीक है, मेरी क्लास का हिस्सा बनो। ध्यान देना जरा बच्चों, लिगेंड स्ट्रेंथ इज कंसिडर, एक लाइन लिख के छोड़ दी है मैंने, अब मेरा काम है समझाने का, देखो अब मैं लेता हूं आपका फेवरेट D4 लिगेंड लेता हूं, दो केस बनेंगे यहां पे,
ये भी D4 है, एक बार वीक लिगेंड के साथ लूंगा, एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ लूंगा, ठीक है बच्चों? D4 वीक लिगेंड. वीक लिगेंड का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग इज लेस, स्प्लिटिंग इज ये कम रहेगा, स्प्लिटिंग इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी. कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ ऐसे लिखवाया था, स्प्लिटिंग बहुत कम है. वीक लिगेंड कैसे याद रखोगे? कि स्प्लिटिंग बहुत कम है. चार इलेक्ट्रॉन बनने हैं, ये आपका T2G, ये क्या है आपका EG. अब देखना, इलेक्ट्रॉन आएगा 1, 2, 3. नाउ स्टूडेंट विल कम टू थिंक कि सर वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन शुड गो, नीचे या ऊपर? मैंने क्या बोला? वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है. किसी ने बात करी थी ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर वाले में जाके बैठूंगा. तो ये जाके ऊपर बैठ जाएगा. दैट्स दी ओनली डिफरेंस, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो टू अपर एनर्जी लेवल. दैट्स दैट सिंपल सा, ठीक है? कैसे याद रखना है? क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत कम है. किस केस में? वीक लिगेंड में. क्या मुझे तुरंत इसका CFSE बता सकते हो? CFSE बताओ क्या आएगा इसका, कौन बच्चा बताएगा? -1.2 डेल नॉट प्लस, ऊपर आ गया एक +0.6 डेल नॉट. क्या आंसर आया? -0.6 डेल नॉट. क्या मेरी बात सब समझ पाए? बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर भी दिया है वहां पर, बहुत बढ़िया. नहीं, 1.2 गलत हो गया बच्चा, माइनस के साथ है ना, जरा चेक करो आपके सामने है. आ जाओ अब D4 इज इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन, जरा ध्यान देना. अब कैसे भरेंगे? ये क्या चीज है? अच्छा, मैंने गैप यहाँ पर ना सेम दिखा दिया है, मेरी गलती है, थोड़ा दिखाना अपनी कॉपी में. अगर आप बना रहे हो साथ साथ, तो मेक श्योर द स्प्लिटिंग यू शो मोर, कि स्प्लिटिंग बढ़ गई है. आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज जाएगी कि अच्छा, स्प्लिटिंग बहुत बढ़ गई है. तो अब स्प्लिटिंग जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, तो डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो अब इलेक्ट्रॉन कहता है, यार मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ऊपर चले जाऊं, बोलता है मैं नीचे ही पेयर हो जाऊंगा. तो देखो 1, 2, 3, हेयर डेल नॉट इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल कम एंड पेयर हेयर. यहीं पे पेयर हो गया. अच्छा, ये पेयरिंग किसने कराई है? ये लिगेंड ने कराई है, क्योंकि लिगेंड ने क्या करा? बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कर दी. जरा देखो, अगर आपको 5-4 इलेक्ट्रॉन भरने होते डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, तो कैसे भरते? 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं. ये ट्रिक समझा रहा हूं, पेयरिंग कैसे निकालनी है. यहां पर आप देखो, पेयरिंग हो गई ना, तो यहां पे एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? एन डैश की आ जाएगी 1. पेयरिंग कॉज बाय द लिगेंड यहां पर कितनी हो गई? 1 हो गई. तो अब जरा CFSE बताओ तुरंत इसका, CFSE कितना आएगा इसका? सारे के सारे नीचे ही है, -1.6 डेल नॉट प्लस पी. एन के एन डैश की वैल्यू क्या है यहां पे? एन डैश क्या है? एन डैश इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहां पे एन डैश की वैल्यू क्या है? एन डैश इज इक्वल टू 1. अच्छा, घबराना मत, पी की वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो पेयरिंग हमारे को याद नहीं करके चलना, इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, आप आंसर निकाल दोगे. तो यहां का ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 1.6 डेल नॉट प्लस पी. पी की भी यूनिट्स क्या रहेगी? सेंटीमीटर इनवर्स में ही रहेगी. आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू मिल जाएगी. तो क्या आप निकाल पाएंगे? बहुत बढ़िया, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यहां पर. सबको समझ आया कैसे करना है पेयरिंग? क्या मैं डायरेक्टली D6 की बात करूं, आप लोग बताएंगे क्या? ठीक है, क्या मैं यहां पर लॉग बुक नहीं मिलेगी? आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि लॉग वैल्यू इतनी है, तो आपको टेंशन की बात नहीं है. लॉग वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दी जाती है. अब जरा एक D6 करते हैं बच्चा लोग, आप अपने रफ वर्क में स्टार्ट कर दो. मैं D6 यहां लिख रहा हूं इसको रब करने के बाद. घर पे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यू कैन ट्राई फॉर D5, D6 मैं और D7. मैं यहां पे D6 कर रहा हूं, बाकी दो आप घर पे कर सकते हैं. ठीक है, मैं कंसेप्ट सिखा के जा रहा हूं. ठीक है, D6 ले रहे हैं अब हम. D6 वीक लिगेंड मैंने बोल दिया, तो डेल नॉट क्या होगा? डेल नॉट विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी. तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले 1, 2, 3, ये आपका T2 जो मैं भरा. अब बच्चों कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर या नीचे? इलेक्ट्रॉन विल गो अप और डाउन, इट विल कम इन दिस T2G और EG. टेल मी, इन द केस ऑफ वीक लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत कम है, याद रखना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जल्दी से बताओ, इट विल गो अप और डाउन? आंसर चाहिए आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ये गया 5, 6, समझ आया? ऐसा आया. CFSE निकालो. अच्छा, क्या कोई पेयरिंग हो रही है? ये चेक कैसे करना है? इमेजिन करना है कि 5 अगर होते, 5 ऑर्बिटल्स बना दिए, 6 कैसे भरे जाते हैं? 1, 2, 3, हुंस रूल इस्तेमाल करना है ना. उसके बाद हुंस रूल क्या कहता है? छोटे से पहले सब एक साथ भरे जाते हैं, एक एक करके फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है ना. तो यहां पर भी वही करना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाना है. वैसे एनर्जी इनकी सबकी सेम है, पहले आपको सिंगली फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है.
यहाँ पे भी तो यही सीन आ रहा है, यहाँ पे भी तो एक ही पेयरिंग हुई है, तो नन ऑफ द पेयरिंग इज कॉज्ड बाय द लिगेंड, ठीक है? नहीं, पी नहीं आएगा बच्चा, माइनस 0.4 ही आएगा, पेयरिंग इज नॉट कॉज्ड बाय द लिगेंड, देख लीजिए अपने आप से तो हो रही है, यहाँ पे भी एक आ रही थी, यहाँ पर भी एक आ रही थी, अगर यहाँ पे दो हो जाती तो आप बोलते कि यार एक पेयरिंग एक्स्ट्रा हो गई, तो आप बोलते एन डैश की वैल्यू 1 आई, क्या मेरी बात सबको समझ आई है? तो यहाँ पर आप बोलोगे सी एफ एस ई इज इक्वल टू, डायरेक्टली बच्चों का आंसर मैं लिख रहा हूँ, बच्चों ने आंसर दिया है, डायरेक्टली लिख दूँ क्या क्या आंसर है, माइनस 0.4 डेल नॉट, ठीक है? आपका आंसर मान लिया मैंने, सही, मैंने सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है? इधर आ जाओ, D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, किससे, पेयरिंग से, तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल कम इन T2G और EG, विच वन इट शुड कम इन, जल्दी बताओ, T2G में जाएगा EG में जाएगा, आंसर नहीं दे रहे मुझे, अप और डाउन, डाउन, थैंक यू रमेश, थैंक यू, वेरी गुड, सो इट विल बी नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैन समवन इन द कॉमेंट बॉक्स टेल मी एन डैश की वैल्यू, नंबर ऑफ पेयरिंग कॉस्ट बाय लिगेंड कितनी होगी, कैन एनीवन टेल मी क्विकली, भाई आंसर नहीं बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताओ, कितनी पेयरिंग होगी यहाँ पर, नहीं वर्मा आप फंस गए, आप भी फंस गए, आप भी फंस गए, मैंने क्या समझाया, जरा ध्यान देना, 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, इसको भूल जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरोगे अगर डीजनरेट होता, एक पेयरिंग आ रही थी नेचुरली, कितनी जबरदस्ती करा दी गई, 2 आया ना, तो एन डैश की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 आई, ये मेरी पॉइंट था, यहाँ पर यही चीज समझाना चाह रहा था आपको, कैसे करना है, नॉर्मल एक 5 भरो, उसमें जितने भी D6 है तो 6 भर के देखो, अगर एक पेयरिंग आ रही है और यहाँ पर आ गई 2 एक्स्ट्रा, तो आप बोलोगे यहाँ पर एन डैश की वैल्यू कितनी है, ठीक है? अगर 2 आ जाती बाई चांस, तो आप बोल देते 1 आ जाती, यहाँ पर एक आ रही थी, 2 एक्स्ट्रा आ गई है, इसी कारण से एन डैश की वैल्यू क्या हो गई, 2, सबको समझ आया, हाय बच्चा, क्लियर होते हुए चला, CFSE निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, -2.4 डेल नॉट प्लस 2P, क्या किसी ने निकाला था ये आंसर, 2P आएगा यहाँ पर, काफी बच्चों ने -2.4 बोला है, पर प्लस 2P भी इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी बात सबको समझ आई, सबको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, तो अब अगर ये JEE सवाल पूछे तो कैन वी डू दैट, क्या हम कर पाएंगे अब कॉन्फिडेंटली आंसर सही निकाल के आएंगे, बहुत बढ़िया, यही मुझे चाहिए, बहुत अच्छी बात है, यो है ना, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, 5 मिनट बाद बात करें राहुल, मुझे याद दिलाइए, जब क्लास खत्म करूंगा आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस, ठीक है, ऑल राइट, चलिए, हाँ जी, अब मैं आपको दे रहा हूं एक गोल्डन रामबाण दे रहा हूं मैं आपको एक, ये अगर याद कर लोगे मतलब आपका पूरा चैप्टर सॉर्टेड है, CFT फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स याद है पूरा, मतलब बिल्कुल सॉर्टेड है, जरा देख लो क्या है, बिल्कुल खत्म करने पे आ गए हम, ये याद कर लेना, ये नोट बना लो कहीं ना कहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना ना इसका, ये किसकी बात चल रही है, इट इज ऑल फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, जरा ध्यान देना, D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन लग जाए कभी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, डजेंट मैटर विच लिगेंड यू हैव, डजेंट मैटर स्ट्रांग है या वीक लिगेंड है, आपकी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D2SP3 होगी, सॉरी मार्क गलत हो गया, D2SP3 होगी, अगर आपके हाथ लग जाए, क्या ये कुछ गड़बड़ी हो गई है शायद, एक सेकेंड, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, ये D8, D9 अगर आपके हाथ लग जाए या D10 आपके हाथ लग जाए, तो वो हमेशा SP3D2 रहती है, डजेंट मैटर विच लीगेंड, D1, D2, D3 ऑलवेज D2SP3, ये याद रखना है, इन दोनों में लीगेंड का टाइप मैटर नहीं करता, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में लीगेंड मैटर करता है, D4, D5, D6, D7 दो केस आते हैं, अगर वीक लीगेंड होगा तो SP3D2 होगा, और अगर स्ट्रांग लीगेंड होगा तो D2SP3 होगा, ये याद कर लो, अगर ये आपको याद हो गया, अभी मैं अप्लाई करा देता हूँ, आपका CFT सॉर्टेड है, कल की क्लास में हम CFT पे कुछ एक्सेप्शन देखेंगे जो आई है पेपर में, JEE ने पूछी है, वो पढ़ लेंगे, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम याद करने हैं, वो एज ए के ऐसे ही याद करने हैं, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया, ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इतना क्लियर हुआ, ये पूरा क्लियर हुआ, समझ आया, अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी इसके बारे में बात करते हैं ना, ये आ गया, ये आपको गोल्डन इस्तेमाल करना है, अगर ये समझ आ गया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्लास, अभी नेक्स्ट चीज पूछ रहा हूं, देखो अब लेते हैं कंपाउंड, अप्लाई करो जो भी नोट पढ़ाया था, जल्दी से कोई मुझे बताएगा यहां पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं जानता हूं मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, बता देंगे मुझे जल्दी से क्या आएगा यहां पे, जल्दी से +2, ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे प्लस टू कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू आ गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये हो जाएगा 3D6, यानी कि Fe प्लस टू में क्या रहेगा, 3D6 रहेगा, 3D6 आ गया। लिगेंड कैसा है बच्चों, लिगेंड CN माइनस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या मुझे जल्दी से कोई बताएगा, अभी मैंने समझाया, D6 अगर हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d2 या d2sp3, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, अभी सिखाया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से बताओ d2sp3 या sp3d2। d2sp3, बहुत बढ़िया बच्चा, d2sp3 आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, कुछ करना पड़ा। सवाल आप जेईई क्या सवाल पूछता है CFT पे, बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए शेप क्या है, या ज्योमेट्री पूछ लेता है, क्या क्या है वो, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, ये चार सवाल बनते हैं, ये चारों के चारों कवर करता हूं। हाइब्रिडाइजेशन कवर हो गई, अब देखो अब भरना है हमारे को कैसे, आपको वही काम करना है, ये आ गया आपका फेवरेट T2G, ये आ गया आपका, सॉरी मेरे से गलती हो गई, माफ करिएगा, दिस इज T2G, दिस इज EG, मैंने लिख दिया लिगेंड बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बहुत खतरनाक हो जाएगी, डेल्टा नॉट विल बी हायर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा या नीचे, नीचे जाना पसंद करेगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल दोगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी, एन इज इक्वल टू 0। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लग गए, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जा सकता है, आप लोग जानते ही हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, सो म्यू इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, बोर मैग्नेटॉन, यहां तो आंसर क्या जाएगा 0, यहां पे आंसर क्या जाएगा 0 BM, बोर मैग्नेटॉन। क्या मेरी बात सबको समझ आई, सबको क्लियर हुआ, समझ आया, 3 क्वेश्चन हो गए। शेप भी बता दो, शेप क्या है, आई थिंक ये तो सबको पता ही है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्या मैं चारों के चारों सवाल बता पाया जो जेईई पूछता है, हमने कवर कर लिए, क्या एक और कराऊं, क्या बताओगे आंसर उसका, शैल आई आस्क यू, एक और करें, हाँ या ना में बताओ, फिर एक करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, यस एक लास्ट सवाल करते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट सेशन है मेरा, हाँ जी ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक होमवर्क दूंगा, घर पे जाके करके देखना, ठीक है, यहाँ पे निकल आएगा 3D8 में, मैंने पढ़ाया D8 जब भी आ जाए डजंट मैटर, कोई देखना ही नहीं है आपको, लिगेंड का टाइप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, सीधे sp3d जाएगा, sp3d2, ठीक है। लिगेंड कैसा लगा हुआ है यहाँ पे, इस टाइम वीक लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। सेम सवाल अगर मैं बोल दूँ आपको, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ, अमोनिया यहाँ पे भी निकल प्लस टू में आएगा और निकल आएगा 3D8 बन जाएगा, ठीक है। लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, पर अगर आपसे मैं पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तब भी आप बोलोगे कितनी, sp3d2, क्योंकि हमने एक जनरलाइज करा है, d8 हो तो डजंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड यू हैव, हमेशा क्या आने वाला है वो sp3d2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इसके अंदर, कैसे भरना होगा, t2g eg, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बच्चों, डेल्टा नॉट यहां पे जो है कम है, लिगेंड वीक है, तो कैसे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, n इज इक्वल टू 2, सही बात है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पे भी कैसे भरना है, ये भी D8 कॉन्फ़िगरेशन है, पर याद रखना डेल नॉट बहुत स्ट्रांग है, तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन है विल ट्राई टू गो इनटू द लोअर, मतलब T2G में जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोनों में, ठीक है, सबको समझ आया, लॉजिक समझ आया, तो D8 में तभी ये देखिए, तभी तो बोला कि चाहे कौन सा मर्जी ले लो, D8 में मैटर नहीं करता आप स्ट्रांग लो या वीक, देखिए आंसर तो दोनों में ही सेम आ रहा है, दोनों में ही तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है आपके सामने, हाँ या ना, इधर भी वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से D8 में हमेशा अगर D8 आ जाए तो sp3d2 ही बनता है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, जो आपको टेबल दिया है उसे याद कर लेना आज, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, आशा करता हूँ ये आपको पूरी क्लास समझ आई होगी, ठीक है।
तो अगर समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मेक दिस वीडियो अ हिट, इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, उन्हें समझाइए कि सीएफएससी कैसे स्टेबिलिटी लाता है एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आशा करता हूँ मैंने वो बात सही करी होगी। सर जेडी ली लगानी है क्या? हाँ जी, जेडी ली पढ़ लीजिए, पर मेक श्योर यू बी कंसाइज, जो टॉपिक होएगा उसी से रिलेट करना, क्योंकि जेडी ली में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दे रखी है, बहुत बढ़िया किताब है नो डाउट, पर यू हैव टू मेक श्योर क्या आपका जेई का सिलेबस है तभी पढ़ना, वरना मत पढ़ना, ठीक है? जो जेई का सिलेबस है उसको पढ़ते रहो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है बच्चा? मैंने आंसर कर दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है? एनसीईआरटी भी साथ, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, मतलब पूछना ही नहीं है आपको। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही उठ के जाते हैं। हाउ टू मैनेज टाइम, बच्चा इसकी हम डिस्कशन और कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेरा ना सेशन है, मेरी एक और क्लास है, वो लेट हो जाऊंगा मैं उसमें, मैं लेट नहीं जाना चाहता, ठीक है? तो बच्चों से बच्चे फिर नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन है बच्चा वेंसडे को, हम वेंसडे को बात करते हैं। राहुल तो जल्दी से आ, मतलब 5-10 मिनट पहले आ जा, तब हम बात कर लेंगे तेरे से, ठीक है? तो मेक श्योर यू कम अर्लियर। थैंक यू सो मच यार, वेरी वेरी गुड, ठीक है? चलो सी यू इन नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट फॉर मी टुडे, ऑल राइट, बाय बाय।